हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आपका अपने चैनल में आप सबका बहुत सारा स्वागत है। यहाँ पे मैं बिस्तर उठा रही हूँ अपना, जो कि और वो धूप है कोई खाट, आप सोच रहे हो सफ़ेद सफ़ेद क्या है, तो वो धूप आ रही है और सोना रो रही है। और ये वाला कवर मैंने कल धोया था, गंदा हो गया था, तो वही वाला मैं कवर धो रही हूँ। और ये दोनों अपनी सो के उठी हैं, इनको तैयार करना है, चोटी ओटी बनानी है, क्योंकि आपको पता है ये क्लास लगने वाला है, तो इसीलिए इसको फटाफट डाल के और अपना कमरा वमरा साफ़ कर दूँगी जल्दी जल्दी से। काम थोड़ा सा वैसे तो आराम से काम कर सकती हूँ, पर थोड़ा जल्दी होता है क्योंकि फिर बच्चों के साथ और पेपर वगैरह कराना होता है ना। अभी सभी बच्चों के पेपर वगैरह चल रहे हैं, तो थोड़ा सा वो हो जाता है कि अभी वैसे एक दिन छोड़ के एक दिन एग्ज़ाम होता है, कभी शायद दो दिन भी, क्योंकि संडे भी आ जाता है तो दो दिन का गैप पढ़ाई के लिए टाइम दिया जाता है ना, तो उसी के लिए। तो सोना यहाँ पर बैठी बैठी रो रही हैं। और ये देखिए, ये मैंने तय कर दी और इसको समेट के रख दूँगी, खाट को भी समेट के रख दूँगी। खाट जब बिछा देते ना तो कमरा फैला फैला सा हो जाता है, नहीं बिछाए तो ठीक रहता है। तो मैं आज आप लोगों के साथ अपना फुल डे कर रही हूँ और सोचा एक कमरा कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ से नहीं स्टार्ट करें, रोज़ का यही होता है। और देखिए सोना पता नहीं क्यों रोए जा रही है। और तो बस सुबह ही मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है अब ये करके। और सोमवार है, सोमवार का व्रत रखती हूँ। आप लोगों को सबको पता है जो मेरे से मुझसे बहुत पहले से जुड़े हैं, नए जुड़े उनको भी पता है, सबको पता है। तो बेड समेटने के बाद यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा दूँ, ये चले गए, इनको चाय दे दी है, 5 बजे चले जाते, वैसे तो 5 बजे उठ जाती हूँ मैं, पर 5 बजे से अब कुछ कमेंट आई कि उजाला तो इतना हो रहा है, तो आजकल 5 बजे काफ़ी अच्छा उजाला हो जाता है। तो 5 बजे उठ गई थी, चाय बना के दी, फिर उनके साथ चाय पी, फिर वो चले गए, तो फिर दोबारा से मैं सो गई थी, दोबारा से सो गई, फिर ना 6:30 बजे उठी, फिर फटाफट से काम किया। मेरा सबसे पहले काम हो जाता है, रोज़ ही जीत जाती हूँ, आज ज़्यादा और जल्दी हो गया था, तो अच्छा लगता है ना कि सबसे पहले जीत जाओ, तो ये भी अलग सी खुशी होती है। तो यहाँ पे और मेरी बार बार कहने की आदत है, क्या करूँ, सुधार लूँगी। तो चलिए ये तकिए हो गए और सोना को समझा रही हूँ, मत रो। सुबह होता है ना बच्चे चिड़चिड़ा सा, थोड़ा सा उनको जुखाम भी हो गया है ना, इसीलिए। तो देखिए मेरा कमरा एकदम से साफ, और अब भी रो रही है सोना को, सर्दी जुखाम बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो देखिए मेरा झाड़ू लग गया है और पोंछा लगा दूँगी बस, फिर अपना नहा के उस तरफ तो लगा ही दिया है, नहा के और बर्तन मैं अभी बस धो के रख दूँ, क्योंकि बर्तन पहले कमरा साफ़ कर दो ना, तो बर्तन धोने का इतना वो नहीं रहता है, क्योंकि मुझे पता है कमरा साफ़ कोई आ जाएगा तो कमरा मेरा गंदा नहीं दिखेगा, क्योंकि पता है ना कोई आ जाए फिर कमरा गंदा हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो कमरा हो गया है मेरा साफ़, कचरा भर दूँगी। तो कचरा चा भरने के बाद वहाँ पर वंशिका की चोटी बना रही हूँ, सोना से बातें कर रही हूँ, क्योंकि चोटी फिर बाल छोटे हैं ना तो चोटी में निकल जाते हैं बार बार, तो 2 या 3 बार चोटी बनाओ ना तो सही से बन पाती है। और सोना अपने आप को कैमरे में देखे जा रही हैं बार बार, तो इनकी चोटी बन गई है। और सोना बोलती है मेरी भी चोटी बनाओ, देखो रबड़ पकड़ रखी है मम्मी, मेरी भी बनाओ। तो कोशिश करेंगे उनकी भी बनाने के लिए, देखिए बच्चों का मन तो रखना ही पड़ता है बनाने के लिए, पर आ गए उनके बाल थोड़े थोड़े से तो आ गए, आप देख सकते हैं ये भी आ जाएंगे, पर नहीं बनी, कोशिश करते कहाँ, देखिए नहीं बना, मैंने बोला कल बना देंगे, आज छोड़ दो, तो फिर वही बार बार दे बोल रही है मम्मी बन तो रही नहीं है। तो इसी तरीके से मैं पूरा दिन मेरा है बच्चों में और इन सब में निकल जाता है, कुछ पता नहीं चलता है क्या काम है क्या नहीं है। अब ये आएंगे, इनका इंतज़ार करेंगे, फिर खाने में लग जाएंगे। तो चलिए अपना सारा काम वाम करके नहाना है। और कुछ कमेंट आते सोमवार को सर मत धोया करो, पर हम लोग तो सर सोमवार को धो लेते हैं, और आपकी सोना बाय कर रही हैं, तो हमारे यहाँ सोमवार शुक्रवार इस बुधवार को सर धो लेते हैं, हमारे यहाँ मतलब वो नहीं समझते हैं। किसी के यहाँ है, पर सबके रीति रिवाज अलग है, हर बार बोलती हूँ मैं। यहाँ पे मैं बर्तन धो ले रही हूँ और मैंने मांज लिए थे, थोड़े से ही रह गए, सारे धो लिए। और यहाँ पे बस यहाँ पे वाइपर मार के सफाई, आज पीछे मुझे झाड़ू लगाना है, बहुत सारी धूल मिट्टी हो गई है,
और वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगे और मोटिवेशन मिले। तो जिनको आलस है वो आलस नहीं आएगा। तो चलिए इन बर्तनों को धो देती हूँ, कढ़ाई और भगोना आराम से धोती हूँ क्योंकि कढ़ाई में साफ़ करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कढ़ाई उढ़ाई बर्तन झाड़ू पोछा करने के बाद यहाँ पूजा करने लगी हूँ। थोड़ी मूर्तियाँ गंदी हो गई थी तो उनको पानी में अच्छे से धो रही हूँ। किचन विचन पूरा मैंने साफ़ सुथरा कर लिया, कुछ झूठा ऊँटा नहीं पड़ा है। तो बाल धो लिए हैं और यहाँ पर जाके अच्छे से इनको साफ़ कर लिया, मंदिर को साफ़ दिया ही है जला के, तुलसा जी मैया पे जल चढ़ा के, और मेरा पूजा का काम ख़त्म होता है। फिर अपने खाना पीना में थोड़ा, जब व्रत रत होता है ना तो खाना पीना ये सब थोड़ा सा लेट हो जाता है, इसीलिए मैं जब व्रत वगैरह होता है ना तो मैं जल्दी उठती हूँ, जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए पूजा कर लूँ, दिया जला लूँ, बालों को सुखा लूँ। बाल अभी तो जल्दी सूख जाते, पर सोच रही हूँ थोड़े से बाल की कटिंग कर लूँ। आप लोगों की क्या राय है राय ज़रूर बताइएगा, रोज़ ही राय मैं लेती रहती हूँ आप लोगों से, तो अच्छा है ना। तो यहाँ पे मेरे बाल भी सूख जाएंगे मैंने बोला, और यहाँ पे मैं ये झाड़ू भी लगा दे रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा बर्तन अर्तन धोती हूँ ना तो ये हो जाते हैं, और कपड़े ये रखे हैं, कपड़े भी धोने हैं मुझे। तो यहाँ पे मिट्टी लगाने के बाद धीरे धीरे मैं इसलिए झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि मेरे बालों पे धूल मिट्टी ना आ जाए, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे से झाड़ू लगा रही हूँ। आप तब भी देख सकते हैं सफ़ेद सफ़ेद धुंधल सी उड़ रही है, तो इसीलिए। पर कोई नहीं, मैंने पहले फूल झाड़ू से इससे मोटा मोटा उठा ले रही, फिर फूल झाड़ू से इसको कर दूँगी, फिर इतना वो दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं अपनी कर रही हूँ थोड़ा सा चेहरे पे कुछ कुछ लगा के, पूजा वूजा कर ली है और चेहरे पे कुछ नहीं लगाया। तो ये बॉडी लोशन है, एक सर्दी में पूरी सर्दी मैंने एक ही बॉडी लोशन लिया था, ज़्यादा नहीं लिया, उसी को ही मैंने अपने पूरे हो गया। और अब भी है, गर्मी में तो बॉडी लोशन वगैरह कुछ नहीं लगाती हूँ मैं। तो बस हो गया, चोटी ओटी तो बनानी नहीं है, बाल पूरे दिन बस जूड़ा लग जाएगा, खुद के लिए नहीं मिल पाता टाइम। तो ये देखिए हो गया सारा, वंशिका वगैरह अपने बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को एक बार तैयार कर दो फिर इनका वो नहीं रहता है, टेंशन नहीं रहती। तो चलिए अब खाना ना बनाएंगे और फिर अपना जो भी है वो करेंगे। और थोड़ा सा आप शाम के टाइम ना छत पे चल जाती हूँ, रात को मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मूवी भी देखती जा रही हूँ, वॉइस ओवर भी करती जा रही हूँ। और सोना को अपने साथ लिटा रखी हूँ, मतलब गोदी में लेटी हुई है, उनको मैं सुला रही हूँ और अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस हो गया, बाल सूख गए हैं, बिंदी टीकी और क्रीम, बॉडी लोशन, क्रीम नहीं लगाती, सिर्फ बॉडी लोशन लगाती हूँ, कोई क्रीम वगैरह नहीं, मेरे सूट नहीं करता, तो यही दो चीज़ें बस। मैं चाय बनाने के लिए जा रही थी, आपको बताइए 12 बज गए, तो अपने भी चाय बना लो, बाल तो बहुत गीले हैं, सूख जाएंगे, अभी तो गर्मी भी है तो सूख जाएंगे। वंशिका कह रही है भी बता दो बाबू आंगनवाड़ी, कल मैंने बता दिया था। अच्छा मैडम जी ने बताया था, ठीक है ठीक है ठीक है। मम्मी इनके मैंने खाना ना बना दिया है, अपने लिए एक कप चाय बना, थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है इसीलिए चाय। और सोना को जुकाम हो गया है, हाँ तुम पियोगी? अच्छा बच्चे नहीं पीते हैं। अदरक अदरक डाल के मनीषी का थोड़ा दूध निकाल दी बाबू, अदरक अदरक डाल के बढ़िया से बना के, और पूजा वूजा सब कुछ हो गया है, अब जाके फ्री हुई हूँ, सुबह से लगे लगे ये अपना काम पे चले गए। और मैं और थोड़ी सी अदरक दे दो बाबू। और आज कितनी तारीख हो गई है वंशिका? आज सोमवार का दिन है, तारीख नहीं याद, 50 वंशिका को याद होता सब कुछ। ला नहीं बाबू सर्दी हो रखी है, तो चलिए पता है मेरी फ्रेंड है उसके साथ, वो भी PIT से उसके साथ कुछ हुआ है, तो मुझे उसकी बात सुन के ना बड़ा अजीब लगा, पर तो क्या कर सकते हैं, उसके साथ थोड़ा नहीं बहुत गलत हो रहा है, तो बहुत बुरा लग रहा था, कैसे कैसे लोग हैं उसके ना, तो इन बच्चे परेशान हैं ना, एक मेरी फ्रेंड है तो उसके साथ बहुत गलत हो रहा है, उसके तीन या चार बच्चे, मुझे पूरा कन्फर्म नहीं है, तो मैं नहीं बताना चाहती हूँ, पर उसके साथ वो भी थोड़ा सा बहुत परेशान है। मैंने उसकी हेल्प की है, देखो क्या होता है, बहुत दुखी थी, कुछ लोग उसे परेशान कर रहे हैं, उसके घर वाले ही परेशान कर रहे हैं, मतलब बाहर वाला नहीं, IT वाला वगैरह कोई नहीं, तो बहुत परेशान कर रहे हैं। रिश्ता बनाना बहुत आसान होता है, निभाना बहुत मुश्किल होता है,
मतलब कैसे कोई कर सकता है, पर क्या कर सकते, जैसा जो करेगा वैसे, हाँ जैसा करेगा वैसा भरेगा। मैं उसको यही समझाती हूँ। कल बात हुई थी ना, वो बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी कि प्रीति मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो बुरा लगा, उसके घर वाले उसे परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो क्या मैं समझाऊँ उसे। पर मैंने उसे जितना हो सकता है मैंने बोला, जितनी मेरे से मदद होगी मैं उतनी मदद, जिस लायक हूँ मैं उतनी उसकी मदद कर सकती हूँ, तो मैंने उसकी मदद की है। और देखो क्या होता है, मैं चाहती कोई किसी को परेशान ना करे, कोई किसी को उल्टा ना बोले, तो देखते क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है। तो बस आज बात करी थी तो याद आ गया, पता नहीं कैसे दुनिया में ना हर तरीके के लोग हैं, अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं, सब तरीके के दुनिया, जैसे दसों उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती वैसे इंसान भी एक जैसे नहीं होते हैं। तो बस ये आप लोग प्रे करिएगा सब उसके साथ सब कुछ अच्छा हो, भगवान जो जैसा करता है ना उसको वैसा ही फल मिलता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो। तो ये कैमरा ऑन किया तो याद आ ही जाता है, और खुद ही मच रही है, तो इसीलिए आप लोगों से बोल दिया। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होगा, मैं वैसे ही आपको बताऊंगी। देखिए बाल के तो शाइनिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए कल से मुझे सर दर्द हो रहा है उसके बारे में सोच सोच के। हस्बैंड को भी बताया मैंने, उसको अपनी फैमिली को भी बताया मैंने, बहन को मम्मी को सबको बताया। वंशी का लेना तो बहुत बुरा लग रहा था। चलिए 4 मिनट हो गए हैं, चाय पी लूँ। बहुत 3 मिनट मैं ज़्यादा बातें शुरू करें ना तो कुछ ना कुछ याद आएगा, किसी के साथ हम बैठते हैं बात करने तो एक ना एक बात शुरू हो जाती, वैसे ही यहाँ होता है। अभी मैंने आपके 4 मिनट ले लिए, तो प्लीज़ आप लोग प्रे करिएगा उसके साथ सब कुछ ठीक हो जाए। मैं खुल के नहीं बताना चाहती किसी के बारे में, घुमा फिरा के बता रही हूँ, इनडायरेक्ट बता रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी के बाद मैं ऐसे करूँ। पर ये होता है इतने लोगों के साथ शेयर करूँ तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं वो मटर आलू बनाने के लिए जा रही हूँ, हींग जीरे से तड़का दे दूँगी, सादा सिंपल सा थोड़ी सी रोटी बनाऊँगी। अभी तो गर्मी है तो थोड़ी रोटी थोड़ा चावल चल जाता है, पर सोचा था चावल बना लूँ फिर नहीं बनाया, फिर दलिया की भी सोची, फिर मैंने बोला रहने दो 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 चीज़ें क्या करूँगी, तो मैंने आलू छोंक के रोटी बना ली थी। फिर मम्मी का फ़ोन आ गया था, मम्मी से काफ़ी देर बात करती रही तो फिर थोड़ा सा खाना आना लेट हो गया था। आपको पता है मम्मी पापा भाई बहन का फ़ोन आ जाए तो कितना टाइम लग जाता है। और मैंने मटर आलू उबाल लिए थे कुकर में, एक सीटी लगा ली थी, तब मैंने इनको छोंका है, सादा सिंपल से फटाफट से छोंक दिए। इस तरीके से ना अच्छे लगते हैं ज़्यादा। और इसमें मसाले डाल दूँगी, ये खुद से पकते रहेंगे, और रोटी सेक लूँगी फटा इन, मतलब गरम गरम इनको सेक के देती रहूँ, क्योंकि ये आ गए इनको भी भूख लगी जाती है, तो इसीलिए ये देखिए इस तरीके से। और कलर कितना कैमरे में कलर कितना सुंदर दिखाई देता है। और अभी तो आलू अच्छे लग रहे हैं, पर अब गर्मी जैसे जैसे आती जाएंगी आलू मीठे लगने लग जाएंगे, तो अभी जितने खाने खा लो फिर तो मीठे आलू लगते नहीं खाए जाते, सब्जी में डालने का भी मन नहीं करता। तो बस मसाले, और मेरे मसाले भी ख़त्म हो गए हैं, मसाले भी लेने वाली हूँ, हल्दी मिर्ची धनिया गरम मसाला, मतलब सभी ख़त्म ही हो रहे हैं, तो देखते हैं कल या परसों में ले लूँगी। तो ये था आज मेरा वीडियो, आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगे, और जितनी मुझे तरी चाहिए उतनी तरी डाल दूँगी। और हमारी जो पड़ोस वाली दीदी है ना, उनका सिलेंडर ख़त्म हो गया था ना, तो वो भी इस छोटे वाले चूल्हे पे वो अपना खाना बना रही है। ख़त्म हो जाता तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो वो हमारे घर पे अपने चावल और चावल ही चावल बनाया है और कुछ नहीं बनाया, चावल बनाने जा रही थी तभी उनकी गैस ख़त्म हो गई। तो चलिए सब्जी बनती रहेगी, धनिया डाल दिए, मैं रोटी सेक लेती फिर मिलती हूं। पानी आ रहा और बज रहे हैं 8:30, पानी आ रहा और आज मैं जीत गई। सबसे पहले मैंने काम कर लिया और ये खाना खा ही रहे, मैंने खाना भी फटाफट से खा लिया बहुत जल्दी, पर इनका ख़त्म नहीं हुआ। पानी पीने अच्छा नहीं आता ना, चेक करना पड़ता है, अभी नहीं अच्छा आया है, महक आ रही है पानी में एकदम से। तो सारा काम मैंने मकान सबसे पहले किया फटाफट से, तो अभी नहीं आ रहा, देख लिया, हाँ हाँ देख लिया। तो यहाँ मेरा दूध गर्म हो रहा है, ये बर्तन है, ये धोके लाऊंगी, सुबह धो लिए थे, मतलब अभी अभी पूरा फुल डे मैं शेयर किया है ना, तो फिर अब जाऊँगी। पानी आ रहा पहले पीने का, मैंने वीडियो एंड कर दूँ, दूध उबाल के रख दूँ, सोना वंशी का दूध लेगी ना तो इसीलिए। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी सुबह से ही जल्दी, हाँ वंशी का बोल रही मैं करती हूँ, सुबह जल्दी उठ गई ना तो जल्दी जल्दी हो गया काम, और फिर वीडियो की रहती है सुबह स्टार्ट कर लो तो हो जाती, नहीं तो नहीं होती है। और ये धीरे धीरे खाने में लगे हैं सब, हाँ सब बोल रहे थे आप तो जल्दी कर लिया प्रीति ने काम, आज तो जीत गई, तो होता है कभी कभी। हाँ
ये ढक दूंगी ना तो मतलब आप खाना खा तो लिया गिर जाओगी। चलिए तो मैं वीडियो को एंड करती ज़्यादा। अरे दूध गर्म कर रही हूँ। अब मैं चलिए वीडियो को एंड करती हूँ, अगली वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बोलो। दूध गर्म हो गया, पानी भरना ना, फिर चला जाएगा पानी, फिर पीने का पानी सारा खाली पड़ा। मयूर जब वगैरह सारा पानी खाली पड़ा, कल आया नहीं था पानी, मैंने सब बताया भी था आपको, रोज़ पानी की अपडेट देती रहती हूँ मैं, तो पानी भर लूँ फिर उसके बाद में करूँ, तब तक के लिए।